डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र मैकेनिक्स का टॉपिक द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र तथा पिंडों के मध्य टक्कर का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र की, सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हमने कहा इसको हम डिफाइन करें, यदि हम किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के को किसी विलगित निकाय के द्रव्यमान केंद्र से जोड़ देंगे तो उस निर्देश तंत्र में द्रव्यमान केंद्र विरामावस्था में रहता है, अर्थात VCM। तो द्रव्यमान केंद्र का वेग कितना? VCM। वो VCM जो है वो जीरो के बराबर होगा। इस प्रकार के निर्देश तंत्र को द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र या C निर्देश तंत्र या CM निर्देश तंत्र कहते हैं। तो हमने कहा यदि किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को किसी विलगित निकाय आइसोलेटेड सिस्टम हमने ले लिया, कोई बहुकणीय तंत्र के द्रव्यमान केंद्र से जोड़ देते हैं, यदि हमने इस जड़त्वीय निर्देश तंत्र को, इस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमने जोड़ दिया किसी विलगित निकाय के द्रव्यमान केंद्र से, तो उस निर्देश तंत्र में द्रव्यमान केंद्र विराम अवस्था में रहता है। तो उस निर्देश तंत्र में, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो सेंटर ऑफ मास है वो विराम अवस्था मतलब स्टैटिक रहेगा, अर्थात VCM इक्वल्स टू जीरो। इस प्रकार के निर्देश तंत्र को द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र या C निर्देश तंत्र या CM सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो इसको समझने के लिए हमने कंसीडर कर लिया कि हमने एक बस ले ली, मान लिया ये हमारी बस हो गई। इस बस के अंदर हमारे पास कितनी 52 सीट्स हैं, ठीक है। हमने कहा ये जो सीट है, मान लो कोई 40 नंबर की सीट है, इसके ऊपर हम विराजमान हैं, ठीक। हमने कंसीडर कर लिया कि ये जो है ये हमारा विलगित निकाय हो गया, बस जो है वो विलगित निकाय हो गया। इसकी किसी सीट 40वीं सीट को हमने द्रव्यमान केंद्र मान लिया, इसका सेंटर ऑफ मास कंसीडर कर लिया हमने। इस 40वीं सीट के ऊपर हम बैठे हैं और हम क्या हैं? हम हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हमारे सापेक्ष ये सीट जो है हमेशा कैसी रहेगी? स्थिर रहेगी। तो इसका मतलब इस सीट का हमारे रेस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी हम निकालें तो VCM इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो अब इस स्थिति में हम कहलाएंगे द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र, सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में कणों का कुल रैखीय संवेग का मान शून्य होता है। शून्य क्यों होता है? कि कुल रैखीय संवेग P इक्वल्स टू एम VCM, VCM इक्वल्स टू जीरो। तो इस स्थिति में सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टोटल लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होता है? शून्य के बराबर होता है। इसलिए इस सी निर्देश तंत्र को, CM निर्देश तंत्र को हम शून्य संवेग निर्देश तंत्र, जीरो मोमेंटम फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। इसी प्रकार हम डिफाइन कर सकते हैं कि प्रयोगशाला से जुड़े हुए निर्देश तंत्र को प्रयोगशाला निर्देश तंत्र या L निर्देश फ्रेम कहते हैं। यदि कोई जड़त्वीय निर्देश तंत्र है वो लेबोरेटरी से जुड़ा हुआ है तो उसको हम कहेंगे लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र, इसे L निर्देश तंत्र से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं कणों या पिंडों की टक्कर, कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स और बॉडीज। जब दो कण या पिंड एक दूसरे की ओर गति करते हैं, तो जरूरी है कि दो कण या पिंड जब एक दूसरे की ओर गति करें, मान लो हमारे पास एक पिंड ये है, एक पिंड ये है, ठीक है। जब ये एक दूसरे की ओर इस प्रकार गति करेंगे तभी टक्कर होगी। हमने कहा ये पिंड है हमारा, ये पिंड है, एक इधर गति कर रहा है, एक इधर गति कर रहा है, तो इनके मध्य टक्कर हो ही नहीं सकती। तो हमने कहा दो पिंड ये ले लिए हमने, ये पिंड जो हैं ये एक दूसरे की ओर क्या करें? गति करें, एक दूसरे की ओर मूव करें। तो निकट आने पर पारस्परिक अन्योन्य क्रिया, म्यूचुअल इंटरेक्शन को, जब ये एक दूसरे के निकट आते हैं, ठीक है, एक दूसरे के नियर आते हैं, तो इनके मध्य एक म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है। इस म्यूचुअल इंटरेक्शन के कारण उनकी गति या संवेग या ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं? कणों या पिंडों की टक्कर, कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स और बॉडीज। टक्कर में दो कणों या पिंडों का संपर्क में आना आवश्यक नहीं होता, ठीक है। जैसे हमने कहा एक पिंड ये है, एक पिंड ये है, ये टक्कर करें तो एक दूसरे को टच करें, ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो संपर्क में आना, टक्कर में दो कणों या पिंडों का संपर्क में आना आवश्यक नहीं होता है।
एक दूसरे को टच करें ये कंपलसरी नहीं है। साधारणतः दो स्थूल पिंड मैक्रोस्कोपिक बॉडीज टक्कर में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो जो दो बड़े पिंड होते हैं, स्थूल पिंड मतलब बड़े पिंड जिनको हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक बॉडीज, ये जब टक्कर करते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, ये स्पर्श करते हैं। जैसे हम कैरम खेल रहे हैं, कैरम के अंदर स्ट्राइकर जो है ये कैरम हो गया, हमने कहा यहाँ स्ट्राइकर है यहाँ गोटी है, इनके मध्य टक्कर तभी होगी जब ये एक दूसरे को टच करेंगे। तो हमने कहा साधारणतः दो स्थूल पिंडों माइक्रोस्कोपिक बॉडी टक्कर में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, लेकिन आवेशित सूक्ष्म कण माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की टक्कर में एक दूसरे को स्पर्श करना आवश्यक नहीं होता, ये बिना स्पर्श किए ही प्रकटित हो जाते हैं। तो जो हमने रदरफोर्ड स्कैटरिंग पढ़ी थी, हमने कहा ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, ये हमने कहा इसके ऊपर अल्फा कणों की हमने बोछार की, तो अल्फा कण इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं। तो ये इस न्यूक्लियस को क्या करते हैं, ये टच नहीं करते हैं। दो पिंडों की टक्कर में रेखीय संवेग संरक्षण का नियम सदैव लागू होता है। तो जब भी टक्कर होती है तो रेखीय संवेग संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लॉ जो है वो सदैव लागू होता है, सदैव वैलिड रहता है। लेकिन प्रयोगों से यह ज्ञात होता है कि कुछ टक्करों में गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी संरक्षित रहती है तथा कुछ में नहीं। तो कुछ टक्कर ऐसी होती हैं जिनमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है, लेकिन कुछ के अंदर कंजर्व नहीं रहती है। अतः गतिज ऊर्जा संरक्षण के आधार पर टक्करों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा संरक्षण के आधार पर टक्कर दो प्रकार की होती है, एक पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, दूसरी पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो फर्स्ट हम डिफाइन करते हैं पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर को, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। यदि किसी टक्कर में कुल गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब जितनी टक्कर से पहले हमारे पास काइनेटिक एनर्जी थी उतनी ही टक्कर के बाद प्राप्त होती है, तो ऐसी टक्कर को पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की टक्कर में संवेग तथा गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं। परमाणवीय तथा नाभिकीय मूल कणों के बीच टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ मानी जाती है। तो जो हमारे पास एटॉमिक और न्यूक्लियर एलिमेंट्री पार्टिकल जो होते हैं उनके बीच कोलिजन हमेशा परफेक्टली इलास्टिक होती है। इसको वेरीफाई कर लें, माना कि दो कण जिनके द्रव्यमान जिनके मास जो हैं वो m1 और m2 हैं, इन कणों का इन पार्टिकल्स का बिफोर कोलिजन टक्कर से पूर्व वेग u1 तथा u2 है, ये चलकर आपस में प्रत्यास्थ टक्कर करते हैं। तो आफ्टर कोलिजन टक्कर के पश्चात इनकी वेलोसिटी जो है वो v1 और v2 हो जाती है। तो संवेग संरक्षण के नियमानुसार अकॉर्डिंग टू मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन, तो ये हो गया टक्कर से पूर्व कुल संवेग बिफोर कोलिजन टोटल लीनियर मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन टोटल लीनियर मोमेंटम, तो दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मोमेंटम कंजर्वेशन। तो हमने कहा m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, तो u1 u2 टक्कर से पूर्व बिफोर कोलिजन वेलोसिटीज, v1 और v2 जो है आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज हैं ऑफ ईच पार्टिकल। तथा ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार टक्कर से पूर्व काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स होगी आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी, तो बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो गई हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब हम बात करें पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर की, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। जब दो पिंड टक्कर के पश्चात, तो जो हमारे दो पिंड हैं वो टक्कर के पश्चात आफ्टर कोलिजन एक दूसरे से चिपक कर या सटकर गति करते हैं, तो वो क्या करते हैं, आफ्टर कोलिजन जो दो पार्टिकल्स हैं ये स्टक हो जाते हैं एक दूसरे से, तो इस प्रकार की टक्कर पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है, टक्कर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन।
इस प्रकार की टक्कर में गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है, लेकिन इस प्रकार की टक्कर में संवेग संरक्षण संरक्षित रहता है। तो हमने कहा माना दो कणों का द्रव्यमान क्रमशः m1 तथा m2 है, उनके टक्कर से पूर्व वेग u1 व u2 है, टक्कर के पश्चात दोनों कण आपस में जुड़ जाते हैं, इसलिए इनका कॉमन वेलोसिटी हमने v कंसीडर कर लिया, जुड़ जाते हैं तथा एक ही वेग एक ही वेलोसिटी इक्वल वेलोसिटी v से क्या करते हैं ये गति करते हैं। तो संवेग संरक्षण के नियमानुसार m1v1 इक्वल्स टू m2v2 इक्वल्स टू m1 + m2v, v इक्वल्स टू हो गया m1u1 + m2u2 / m1 + m2। टक्कर से पूर्व कणों की गतिज ऊर्जा ki फॉर इनिशियल ki इक्वल्स टू ½m1u1² + ½m2u2². टक्कर के पश्चात संयुक्त कण की गतिज ऊर्जा kf मतलब f फॉर फाइनल इक्वल्स टू ½m1 + m2v², तो ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार टक्कर से पूर्व वेलोसिटी इक्वल्स टू टक्कर के पश्चात वेलोसिटी। तो ½m1u1² + ½m2u2² इक्वल्स टू ½m1 + m2v² + q। ये जो q है, q टक्कर कणों की टक्कर में गतिज ऊर्जा की हानि है, इसका मतलब टक्कर से पूर्व और टक्कर के पश्चात काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल नहीं रहती है। यह ऊर्जा ऊष्मा या अन्य विकिरण रूप में प्राप्त होती है। Q को उत्तेजन ऊर्जा एक्साइटेशन एनर्जी भी कहते हैं।